तुर्की का विजिट वीजा 100% आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स साथ मैं हूं आपका दोस्त ईशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जो भी व्लॉग हो, वीजा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे तुर्की विजिट वीजा के बारे में। अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर 100% तुर्की का वीजा लेना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सर्टिफिकेट्स आपको इस वीडियो से मिल सके। तुर्की के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं, आपको अनातोलिया ट्रेवल सर्विसेज में आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। इसके लिए कोई आपको अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती, आप वॉक इन जाके आप प्रॉपर अपनी वहां पर फाइल सबमिट करवाते हैं। कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए होती, आपको कोई डेट लॉक नहीं करते। जिस दिन आपकी फाइल रेडी हो जाए उससे नेक्स्ट डे या उसी दिन आप जाके अपनी फाइल सबमिट करवा सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको प्रॉपर अनातोलिया में जाके अपनी फाइल सबमिट करवानी पड़ती है, लेकिन इसमें आपको फाइल कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करके लेकर जाने पड़ते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके अनातोलिया ट्रेवल सर्विसेज में रेडी होते हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, पासपोर्ट आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और एक ब्लैंक पेज होना चाहिए, आपका आईडी कार्ड, आपकी FRC, आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स इसमें नहीं चाहिए होते, जस्ट आपको FVR NTN लगाना पड़ता है। उसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम आते हैं, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, NOC लेटर और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होती है। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस लेटर साइन स्टैम्प के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस FVR NTN और लास्ट 6 मंथ की बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। क्लोजिंग बैलेंस राउंड अबाउट 7 से 10 लाख रुपए का क्लोजिंग बैलेंस हो और इसमें यह है कि बैलेंस आपका पिछले 3 से 4 महीने मेंटेन होता हुआ आ रहा हो तो आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। अगर आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी साथ लेकर जा सकते हैं, अनातोलिया वो डॉक्यूमेंट्स भी साथ में एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो अभी आपको साथ में लेकर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद जो आप डॉक्यूमेंट साथ में रेडी करके लेकर जाते हैं उसे फर्स्ट फ्लॉप का आता है वीजा कवर लेटर। प्रॉपर आपको एक अच्छा सा वीजा कवर लेटर टाइप करना पड़ता है कि आप तुर्की क्यों जाना चाह रहे हैं, आप वहां पर तुर्की में ड्यूरेशन ऑफ स्टे आपका कितना है और वापस आप पाकिस्तान आएंगे। प्रॉपर एक आपको अच्छा सा कवर लेटर रेडी करना पड़ता है अपनी प्रोफाइल के मुताबिक। उसके बाद आपकी टिकट की आइटनरी आती है और आपको होटल बुकिंग साथ में लेकर जानी पड़ती है। कन्फर्म्ड होटल बुकिंग जो होती है वो आप साथ में लेकर जाते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन ये होता है कि वीजा फॉर्म हम कैसे फिल आउट करेंगे। तुर्की का जो वीजा फॉर्म है आप पहले फिल आउट कर सकते थे, कोई भी एजेंट थे या खुद पर्सनल अपीयरेंस फॉर्म फिल करना चाहते थे तो आप पर्सनल भी फिल कर सकते थे। जैसे ही 2023 स्टार्ट हुआ तो उसके बाद प्रॉपर यह है कि वीजा फॉर्म कोई भी बंदा फिल आउट नहीं कर सकता, आपका वीजा फॉर्म अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज में वहां पर ही फिल होता है, आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस वहां पर बनती है, आपके वहां पर एक ट्रैवल का डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपको जो ट्रैवल का फॉर्म होता है वो वहां पर आपको एक सिग्नेचर करना पड़ता है। तो आप अनातोलिया में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं और वहां पर वीजा फीस पेड करते हैं। वीजा फीस राउंड अबाउट 45,000 से लेकर 55,000 के दरमियान आपकी वीजा फीस होती है। उसमें आपकी वीजा फीस शामिल है, अनातोलिया के चार्जेस शामिल है और ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस शामिल होती है। और वहां पर आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट होके आपको एक स्लिप मिल जाती है जिसके ऊपर प्रॉपर एक रेफरेंस नंबर होता है, तो आप उसको प्रॉपर ट्रैक भी कर सकते हैं। और जहां तक बात है कि आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग डेट आप कितने टाइम बाद की डालें, क्योंकि 14 डेज आपके एम्बेसी का प्रोसेस होता है कि जब पासपोर्ट लेट वहां से आता है तो आपकी प्रॉपर जो ट्रैवल अपडेट्स हैं वो एक्सपायर ना हो। तुर्की का जो वीजा 3 मंथ्स वैलिड होता है, ड्यूरेशन ऑफ स्टे आप एम्बेसी से एक्सेप्ट करते हैं कि एम्बेसी आपको कितना वहां पर ड्यूरेशन ऑफ स्टे देना चाह रही है, या आपका जो प्रॉपर वीजा फॉर्म होता है, टिकट है, आपका होटल है, उसके मुताबिक आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे वहां पर होता है। तो आप इस तरीके से तुर्की का वीजा हासिल कर सकते हैं। आज का जो डिसीजन हो रहे हैं 4 to 5 वर्किंग डेज या 6 to 7 वर्किंग डेज के अंदर आपके पासपोर्ट का डिसीजन होकर आपको पासपोर्ट वापस मिल रहे हैं। अगर आप न्यू ईयर में प्लान करना चाह रहे हैं किसी कंट्री का, आप स्टिकर वीजा भी साथ में लेना चाह रहे हैं, तो इस टाइम आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है आप तुर्की का वीजा ले सकते हैं क्योंकि कोई टैक्स रिटर्न्स नहीं चाहिए होते। इस टाइम बेस्ट चांस है कि आप तुर्की का स्टिकर वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई इतनी ज्यादा स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती। 6 से 7 लाख या 8 लाख आपका बैलेंस हो, आप उसमें प्रॉपर वीजा अप्लाई कर सकते हैं और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग थाईलैंड भी जाते हैं लेकिन तुर्की का वीजा आपका थोड़ा सा स्ट्रांग वीजा होता है, तो आप तुर्की इस टाइम पर न्यू ईयर पर बहुत ही कम बजट में आप न्यू ईयर पर ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप तुर्की का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं।
ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।